सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकली योगी चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि कमटेल यास्त्री जो ये नीचे पट्टी चल रही है जिसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं, इसे हम कैसे लगाते हैं। अब मैं बात करता हूं कि जिन लोगों के पास पीसी नहीं है या फिर कमटेल या सॉफ्टवेयर नहीं है तो मोबाइल पर एक फ्री एप्लीकेशन है किने मास्टर, उससे भी हम लोग इस स्क्रॉल पट्टी को अपनी वीडियोज में ऐड कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र और आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों मोबाइल से स्क्रॉलिंग टेक्स्ट चलाने के लिए वीडियो में हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी और उसका नाम है किने मास्टर। आप देख लीजिए नाम लिखा पड़ा है KINEMASTER और ये एप्लीकेशन आपको आसानी से मिल जाएगी प्ले स्टोर पर और आप इस पर ये जो मैं बता रहा हूँ ये ट्यूटोरियल देख के काम कर पाओगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे फेसबुक पेज पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जैसे हम ओपन करेंगे किने मास्टर को, इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे मीडिया ब्राउजर पे हमें जाना है और जैसे मान लो मेरी ये वाली वीडियो है तो इस वीडियो को मुझे सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट हो गई, सॉरी ये दो बार हो गई सिलेक्ट, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। एक बार ही सिलेक्ट हो गई, इसको यहाँ ले लेंगे। ओहो सॉरी तीन बार हो गई थी, कोई बात नहीं, अब एक बार आ गई। अब हमें क्या करना है, लेयर पर जाना है और लेयर पर जाकर टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और टेक्स्ट पर यहाँ पर मैं लिख दूंगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया हाय आई एम योगी योगेंद्र, वेलकम टू टेक्निकल योगी। दोस्तों मैंने पहले से लिखा हुआ था और मैंने कॉपी कर रखा था, डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, आप यहां से टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद हमें ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद अब हम ये क्या करेंगे, अब हमें ये देखना है कि अक्षर पूरे उसमें चलाना है या कम में चलाना है, मतलब पूरी लेयर में चला, इसको नीचे से बढ़ा देंगे, ऐसे सरका सरका के पूरी लेयर सेट कर लेंगे। कर लिया। अब इसके बाद हम कलर फॉन्ट देखना चाहते हैं तो फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो मैं सिंपल फॉन्ट ही रखूंगा। इसके बाद कलर की बात करते हैं तो ग्रीन पर रेड ज़्यादा अच्छा लगता है तो रेड कर दूंगा, और गहरा रेड चाहिए तो मैं और गहरा रख दूंगा, तो ये हो गया गहरा रेड। इसके बाद बात करते हैं हम नीचे आ जाएंगे शैडो पे, मैं थोड़ा सा इस पर येलोनेस दे दूंगा। चलिए जी येलोनेस दे दिया। ग्लो मैं ऑन कर लूँगा, आउटलाइन भी ऑन कर लूँगा। बैकग्राउंड हम चाहें तो देखिए ब्लैक बैकग्राउंड कर सकते हैं या फिर कोई भी कलर कर सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड पर भी हम नीला करना चाहें तो देखिए नीला हो गया, तो चलिए हम नीला बैकग्राउंड कर लेते हैं। या मान लो हम व्हाइट करना चाहें तो व्हाइट हो गया, ये देखिए व्हाइट बैकग्राउंड हो गया, तो चलिए हम व्हाइट बैकग्राउंड रख लेते हैं। और नहीं चाहे तो हम बैकग्राउंड को हटा भी देंगे, ये देखिए। चलिए मैं अभी व्हाइट बैकग्राउंड रख लेता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से चलाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारी ये जो लाइन हमने लिखी है इसको बिल्कुल यहाँ पर रख देंगे। इसके एक दो वर्ड दिखने चाहिए, जैसे हाई दिख रहा है ना फिलहाल, तो जैसे हाई दिख रहा है तो हाई दिखना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, हम ये जो नीचे वाली लेयर है इन दोनों को सरका देंगे और एकदम लास्ट में ले आए क्योंकि हमें लास्ट तक इसको चलाना है। लास्ट में लाने के बाद आप लेफ्ट साइड में देखिए की का ऑप्शन है, इसकी को क्लिक करेंगे और ये जो प्लस है प्लस को हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें जो हमारी लाइन है इसको हाथ से टच करके इसको आगे सरकाना पड़ेगा, जैसे हमें चलाना है। जैसे देखिए मैं इसको आराम से सरका रहा हूँ, मैं अभी जल्दी में ही कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसको आराम से सीधा का सीधा बिल्कुल सरकाइए कि भाई ये पूरा का पूरा इसके अंदर जाना चाहिए। कुल मिला के की को हम बताएंगे कि हमें इस तरह का एनिमेशन चाहिए, तो ये देखे ना बंद कर दिया। उसके बाद हम इसे वापस लाएंगे और अब देखिए कि ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखिए किस तरह से चलेगा। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि कमटेल यास्त्री जो ये नीचे पट्टी चल रही है जिसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं, तो दोस्तों देखा आपने ये चल रहा है पूरा का पूरा, है ना। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें जाके हम इसे कर देंगे एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट कर देंगे हम। और एक्सपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको यहाँ क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्लिक करेंगे शेयर पे, सेव टू गैलरी, और इसके बाद इसको कर देंगे हम एक्सपोर्ट हाई डेफिनेशन में। और देखिए ये हो गया हाई डेफिनेशन में एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट। तो इस तरह से दोस्तों आप स्क्रॉलिंग टेक्स्ट किसी भी डिजाइन में मूव करा सकते हो अपने मोबाइल के द्वारा। तो दोस्तों आपने देखा मोबाइल एप्लीकेशन में हम लोग इस तरह से स्क्रॉल पट्टी लगा सकते हैं किने मास्टर की मदद से। फिर भी आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट कीजिएगा नीचे, और कमेंट करने के लिए अगर आपको कोई सवाल है तो आप लिखिएगा #technicalyogi, उसके बाद लिखिएगा आपका सवाल। उससे ये होगा कि अगर एक सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा तो मैं उस पर बनाऊंगा एक सेपरेट वीडियो, और अगर एक या दो लोगों ने एक सवाल पूछा होगा तो मैं संडे को जो कमेंट बॉक्स की वीडियो बनाता हूं उसमें आपका सवाल दूंगा, सॉरी सवाल का जवाब जरूर दूंगा। लेकिन ध्यान रहे अगर आप #technicalyogi लिखेंगे तो ही मैं आपके सवाल को पिक करूंगा, मुझे लगेगा कि ये जो व्यूवर्स है ये वाकई में मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे कीजिए लाइक और कीजिए अपने दोस्तों में शेयर,
और ये जो मेरे पीछे वीडियो चल रही है ये सारी की सारी आप देख सकते हैं, सारी की सारी तकनीकी ज्ञान से भरी हुई है, सब मैंने आपके लिए बनाई है। अगर आपको चैनल पसंद आ गया है या आए हैं चैनल पे पहली बार तो इसे कीजिए इस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको मिले मेरी सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो मैं योगेंद्र मिलता हूं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।